हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एलिजिबिलिटी की वीडियो जो है वो मैंने बना दी थी, सुबह ही मैंने डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। जो ये वीडियो ये है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों में कि मैंने ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से किया है, इंटर इससे किया है, तो क्या मैं भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ। तो आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। आप अपनी इस वीडियो को पहले ध्यान से आप देख लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने सभी लोगों से, अपने जितने भी साथी हैं, कि आप पहले अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप TGT का पेपर देने जा रहे हो तो, क्योंकि मैं आपको पल पल की अपडेट और हर एक जानकारियां आपको दूंगा। तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं। तो यहां पर ये जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो कक्षा 9 से 10 के अध्यापक हेतु है, आप सबसे ऊपर देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि सबसे पहले विषय जो दिया गया है वो हिंदी दिया गया है, आप देख सकते हो। और इसमें जो योग्यता कहा गया है वो है कि BA हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं BEd या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। समझ में आ गई आपकी बात? चलिए देखिए, आपकी जो है BA जो है वो हिंदी से होनी चाहिए एवं जो संस्कृत है वो इंटरमीडिएट के साथ में होनी चाहिए या फिर इसके कोई समकक्ष परीक्षा हो। समझ में आ गई बात? एवं BEd या समकक्ष परीक्षा, यानी कि BEd के बराबर जो भी डिग्री है आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर BEd आपके पास है और अगर BEd नहीं है तो BEd के समकक्ष अगर कोई डिग्री है तो भी आपकी ये वैलिड हो जाएगी। अथवा में दिया गया है BA हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ। ठीक है, बिल्कुल सेम है। अगर आपके पास BA है और हिंदी और संस्कृत से आपने BA किया है तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो हिंदी के लिए। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन आपका हिंदी और संस्कृत के साथ में, यानी इनके कहने का मतलब है संस्कृत जो है इन्होंने कंपल्सरी किया है हिंदी में। ठीक है, और इन्होंने ये बताया है कि जो BEd है, तो अगर आपके पास BEd है तो ठीक है, अगर BEd नहीं है तो उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए, आप ध्यान से देख सकते हो। फिर यहाँ पर अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता में बात किया गया है कि BEd हो या इसके समकक्ष, जैसे मैंने बात किया कि BEd के समकक्ष कोई डिग्री हो तो भी आपकी वैलिड हो जाएगी। और ये जो इधर इस साइड में लिखा हुआ है आप देख सकते हो, ये वाली जो चीजें हैं ये कन्फ्यूजन सबसे ज्यादा बच्चों को है। तो देखो, जो BEd MEd PhD एवं किसी राष्ट्रीय, तो ये सारी चीजें अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक दो नंबर की इसमें छूट मिल जाती है अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं। अब ऐसा नहीं कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरे पास MEd नहीं है या मेरे पास PhD नहीं है तो क्या मैं नहीं भर सकता, बिल्कुल भी आपको ये ध्यान नहीं देना। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर है आपको तो आपको इसका वेटेज मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट में। गणित की अगर हम बात करें तो BA अथवा BSc गणित के साथ हो और प्रशिक्षित, यानी आप प्रशिक्षित हो, प्रशिक्षण आप लिए हुए हो। ठीक है, यानी BEd की डिग्री आपके पास होनी चाहिए यहां पर। तो अगर आप BA मैथ से हो या BSc मैथ से हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और यहां पर जो आपकी अनिवार्य योग्यता है इसमें BEd या उसके समकक्ष, जैसा मैंने बताया। बाकी इधर वाला अगर आपके पास नहीं है तो कोई, अब ये मत कह देना कि सर मेरे पास BEd नहीं है, आपने बताया BEd इधर वाला ना हो। ठीक है, ये BEd तो चलो ठीक है, बाकी ये BEd जो है ये कंपलसरी है, ये BEd आपको करना है, ये वाला BEd। अब ये नहीं कि पूरा कार्ड दोगे तो सर इधर BEd था तो BEd नहीं कंपलसरी है, नहीं, BEd बिल्कुल अनिवार्य है। बाकी अगर आपके पास MEd नहीं है, PhD नहीं है, खेलकूद का सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, इससे इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन BEd होना अनिवार्य है आपके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम गृह विज्ञान की अगर बात करें तो गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र यानी होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान डोमेस्टिक साइड या गृह कला होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए आपको। यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए गृह विज्ञान से या गृह अर्थशास्त्र से, यानी घरेलू विज्ञान से। ठीक है, अथवा गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का आपके पास TC हो अथवा लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का आपके पास डिप्लोमा हो। तो जिन्होंने लेडी इरविन कॉलेज किया होगा उनको पता होगा, जिन्होंने गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का TC होगा उनको भी ये पता होगा। BEd या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है, यानी BEd आपके पास होना अनिवार्य है इसमें। ठीक है, मैं बार बार अनिवार्य की बात क्यों कर रहा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे भी हैं TGT में जिसमें BEd नहीं मांगा गया, वो सब्जेक्ट आ गया मैं आपको बताऊंगा। बाकी इधर जो लिखा हुआ है BEd MEd वही चीजें हैं जो मैंने बताया है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। उर्दू की बात करें तो BA उर्दू विषय से तथा LT या BT या BEd या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा। ठीक है, आप समझ जाइएगा, BA उर्दू विषय से हो तथा LT या BT या BEd या अन्य समकक्ष डिग्री। समझ में आ गई बात? अगर आपके पास BEd नहीं है लेकिन LT की डिग्री है, BT की डिग्री है तो भी आप इलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, फिर वही चीज जो आपका हर में है, BEd या समकक्ष डिग्री। उसके बाद अंग्रेजी की बात करेंगे तो BA जो है वो अंग्रेजी साहित्य से आपका होना चाहिए, जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके साथ होना चाहिए, और प्रशिक्षित का मतलब आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए।
ऐसे दूसरे पॉइंट में लिखा है, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ। ठीक है, आपके पास 3 साल की जो है अंग्रेजी भाषा का, अगर आपके पास यूजी है यानी अगर आप स्नातक हो तो आप भर सकते हो, लेकिन बीएड इसके लिए भी अनिवार्य है। संस्कृत की बात करते हैं तो बीए संस्कृत सहित तथा एलटी या बीटी या बीएड, ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर आप संस्कृत से ग्रेजुएशन किए हो और आपके पास बीएड नहीं है, एलटी है, बीएड आपके पास बीटी है, तो भी आप इसको भर सकते हो। ठीक है, चलिए, वैसे भी अथवा में लिखा है वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्रीय आचार्य की उपाधि के साथ एलटी या बीटी या अन्य समकक्ष अथवा शिक्षण में डिग्री की डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। देखो, अगर कोई चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा उस कमेंट में तो आप बिल्कुल नाराज मत होइएगा, मैं उसकी अलग से वीडियो ले आऊंगा, आप घबराइए नहीं, पूरा जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन का मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा बनाकर, ठीक है, क्योंकि आप ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग, ऐसे ही 7वां पॉइंट है वाणिज्य का, तो आपको प्रशिक्षित बीकॉम होना है और बीएड या इधर का तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा, कृषि में भी यही है, बीएससी एजी अगर आप हैं और बीएड की डिग्री है तो आप इसको आराम से भर सकते हो। अब सबको पता है बीएससी एजी क्या होता है, और यहाँ पर और भी इसमें नीचे दी गई हैं जो आपके हैं, राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक, ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा समझाना होगा। हाँ, ये आर्ट के लिए दिया गया है भाई मेरे, ये कृषि के लिए नहीं है, ये आर्ट के लिए दिया गया है, कला के लिए। और कला में एक बात आप याद रखिएगा, कला में बीएड की डिग्री नहीं मांगा गया है, अनिवार्य नहीं है, बस आपके साथ इतनी चीजें होनी चाहिए, राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, या फिर यानी इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बहुत खास बताने लायक नहीं है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप लोग अगर चाहो तो जो आपका इसका जो नोटिफिकेशन है पूरा, वो सरकारी रिजल्ट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, सरकारी रिजल्ट पर आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, चलिए वहां पर आप जाके इसको आराम से पढ़ सकते हो। तो इसमें बीएड नहीं चाहिए आपको, और इसमें एक नोट लिखा है कि जो ऊपर की आपकी अर्हता है उसके अलावा इन्होंने कुछ कहा है कि उपरोक्त अर्हता के साथ सहायक अध्यापक हेतु तो किसी विषय में स्नातक तथा प्रवक्ता हेतु तो स्नातकोत्तर उपाधि होना अनिवार्य है, ठीक है, तो यह भी आपके लिए एक जरूरी है कि आपकी जो ऊपर की योग्यताएं हैं उसके अलावा इन्होंने कहा है कि किसी विषय में आपको स्नातक होना चाहिए। तो भाई जाहिर सी बात है, आप लोगों ने ग्रेजुएशन तो किया ही किया होगा किसी ना किसी सब्जेक्ट से, तो ये चीजें हैं। उसके बाद शारीरिक शिक्षा है, तो इसमें माध्यमिक शिक्षा उत्तर परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता एवं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सीपीएड प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता, ये चीजें इन्होंने बताया है। सीपीएड प्रमाण पत्र या अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है, तो अगर आपके पास सीपीएड है या उसके समकक्ष कोई है तो अभी आप एलिजिबल हो। उसके बाद में सिलाई है, सिलाई में भी बीएड नहीं आवश्यक है, बाकी आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए सिलाई वाले में। विज्ञान में आप भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी, अगर आप विज्ञान से भर रहे हो तो चाहे वो आपका भौतिक विज्ञान से है चाहे रसायन विज्ञान से है, और इसकी जो है बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होना इसके लिए भी अनिवार्य है। सामाजिक विज्ञान में आपका बीएड होना अनिवार्य है, और किन्हीं दो विषयों के साथ आपके पास बीए प्रशिक्षण सहित होना चाहिए, यानी अगर आपके पास अब इन 4 सब्जेक्ट जो दिया गया है इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, चाहे इतिहास भूगोल हो चाहे भूगोल राजनीति शास्त्र हो, यानी इन 4ों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, अगर कोई चीज या मैं समझा नहीं पाया हूं कोई भी टॉपिक आपको या किसी सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, तो मैं उसकी अलग से वीडियो या फिर अगर समय मिलता है या बताने लायक होगा तो मैं आपको कमेंट में ही आकर बता दूंगा, डोंट वरी उसके लिए। संगीत गायन, ठीक है, अब अगला जो है हमारा 14वां नंबर सब्जेक्ट संगीत गायन है, और इसमें भी जो है बीएड अनिवार्य नहीं है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा, यानी ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा जो है यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना मस्ट है, यहां पर भी नीचे लिखा गया, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ ऊपर वाले पढ़ने के बाद में आपको नीचे भी ये देखना है कि उपरोक्त अर्हता के साथ सहायक अध्यापक हेतु किसी विषय में स्नातक व प्रवक्ता हेतु स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, और अगर फिर भी आप समझ नहीं पाए हो, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से हर एक चीज हर एक पॉइंट आपको फिर से क्लियर करा दूंगा। किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपके पास कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी फॉर्म भरने में 1 महीने का समय है, तो आप आराम से जांच परख कर ही फॉर्म डालिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, 2 दिन 3 दिन डाल दीजिए। अगर आपको कोई और दिक्कत है तो कमेंट करिए,
ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो कमेंट कर देते हैं और उनको 1 घंटे 2 घंटे में रिप्लाई नहीं मिलता तो थोड़ा सा नाराज होते हैं, तो ऐसा मत किया करिए, एक दिन का वेट कर लिया करिए, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी वीडियोज होती हैं और बहुत सारी वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो इसलिए क्या होता है थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं कमेंट कर देता हूँ ठीक है। जब भी मेरे दिमाग में वो कमेंट आता है या मुझे दिखाई देता है तो मैं कमेंट जरूर करता हूँ, तो आप ऐसा मत कहिए कि मतलब 2 घंटे, आप सब समझ सकते हो ना कि कम से कम कितनी सारी वीडियोज बनती हैं और सब पे कमेंट आते हैं, तो सब पे रिप्लाई देता हूँ, लेकिन मैं देता हर एक के कमेंट का रिप्लाई हूँ ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य आपकी जानकारी के लिए, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप अभी तक नए हो इस चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।